सब गाइस आप देख रहे हैं फ्लाइंग न्यूट्री, मेरा नाम है सौरव। आज हम लोग बात करेंगे कुकुम्बर के बारे में, उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट और उसे कब अवॉइड करना चाहिए इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुकुम्बर के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो 100 ग्राम है, इसमें हमने मेजर किया है। वाटर हमें 95.2 ग्राम मिल जाता है, प्रोटीन 0.65 ग्राम मिल जाता है, फाइबर की अगर बात करें 0.5 ग्राम मिल जाता है, कैल्शियम 16 मिलीग्राम मिल जाता है, आयरन 0.28 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 13 मिलीग्राम, फास्फोरस 24 मिलीग्राम और पोटेशियम 147 मिलीग्राम। कुकुम्बर के बेनिफिट्स के बारे में कि उसे लेने से हमें क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला है, हेल्प करता है हमें वेट लॉस में, इसके पास लो कैलोरीज होता है और हाई वाटर कंटेंट होता है। सेकंड पॉइंट है, हेल्प करता है लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और प्रिवेंट करता है डायबिटीज को। थर्ड पॉइंट है, हेल्प करता है प्रिवेंट करने में कॉन्स्टिपेशन को और इंक्रीज करता है रेगुलरिटी। कुकुम्बर को कब अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, क्रिएट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है, उसमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कॉज करता है इनडाइजेशन एंड ब्लॉटिंग, इसलिए खाली पेट में कुकुम्बर लेने से हमें परहेज करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प